हमारा सवाल ये है कि वोट किसको देते हैं? अरे वोट का गोली मारिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। वोट किसको देते हैं? नहीं वोट देने ना किसको दिए हैं आप बताइए, वोट किसको दिए हैं? अरे किसी को दें उसका, आप हमारी बतिया तो सुन लीजिए। आप बताइए वोट देंगे किसी और का, हम खाना लाके पहुँचावे, हम खाना पहुँचावे। देखिए जो किसको दिए हैं आप विधानसभा में, किसको दिए थे वोट, किसको दिए थे किसको नहीं दिए थे, क्यों? ये सवाल आप पूछने वाले नहीं है, क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं नहीं ये गलत है, नहीं पूछ सकता हूँ कि आप खा रहे हैं नहीं, नहीं रुका हो चाचा, वोट देंगे जिससे उसी से ना मांगेंगे। हमारा काम है मुद्दा उठाना, आप काम राशन नहीं बांट रहे, आप सुनिए हम राशन नहीं बांट रहे। बात मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज, मैं इस समय अदरी में हूँ। बताते हैं कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी आए थे मोहल्ले में, तो कुछ लोग इनसे बात करेंगे कि आपका मतदान क्या होगा, ओम प्रकाश राजभर जी कह कर गए क्या है, तो क्या उनकी बातों पर लोग अमल करेंगे? तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हाँ मोहम्मद असद। तो अशरफ साहब क्या ओम प्रकाश जी आए तो क्या कह कर गए अभी? भाई वादा वही तो बहुत किए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जीतने के बाद ये जाएं कहें कि ये तो मेरा जुमला था, तब क्या होगा? हाँ पुरानी बात अब दोहरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की कही हुई दोहरा रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने तबीयत से कह रहे हैं। सही जुमला है तो हो सकता है कि फिर ना कर जाएं, पहले काम करें, हम लोग जुड़ने तैयार हैं। हम मैंने अभी अभी पसंद नहीं आ रहे हैं। हाँ पसंद आ रहे हैं, आ रहे हैं, बातों पर भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा है? जो बात हमको कहना है वो खुद ही अपनी जुबान से कह रहे हैं। क्या कह कर कहे कि जो चाहूँगा करूँगा मैं, जो यानी भरोसा नहीं है, हो सकता है बाद में पलट जाए। हाँ हाँ भरोसा नहीं है, अभी भरोसा नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको। एक मरतबा नहीं चार मरतबा आएंगे हम लोग, सिफारिश करेंगे तब हो सकता है कि जुड़े। तब सोचेंगे। हाँ तब सोचेंगे जुड़ने के लिए। तो मतलब यहाँ मीटिंग कराने का उनका मकसद क्या था? भाई मकसद ये था कि हमारा लड़का जीते, हैं और जब हम लोग को विश्वास होगा तब नोट देंगे, अभी विश्वास नहीं है। नहीं है, नहीं। चलिए ठीक है, अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम कृष्णानंद मौर्य है। तो मौर्य जी की वोट कहाँ जाएगा, क्या लग रहा है आपको घोसी में कौन जीतेगा? भाई देखिए हम लोग भगवान के भाई तो है नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं, फिर भी नहीं अपना मत रखते हैं, भगवान की बात नहीं है ना, नहीं अपनी मत की बात है, या भगवान का है? बात तो सुनिए, आप लोग अपनी बात सर पेटे रख के रहते हैं। ये बताइए हम कह देंगे कि फलाने जीतेंगे, आप कह देंगे फलाने जीतेंगे, कहने से तो होगा नहीं, जनता जिसको जिताएगी। आप भी जनता में हैं, जनता से बाहर नहीं। हाँ हाँ भाई, एक हम अकेले जिताएंगे तो नहीं एक हो। दो होता है, चार होता है, सौ होता है ना। देखिए सही बात ये है कि आप लोग जब चुनाव आता है, जब आप चुनाव आता है तो आप लोग आते हैं, इससे पहले बीच में कभी पूछने आते हैं कि नहीं? हमारी बतिया सुन लीजिए, कभी आप लोग बीच में आते हैं कि यहाँ का हालात कैसे, यहाँ के लोग खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कभी आपने पूछा? चलिए ठीक है, हमारा सवाल ये है कि वोट किसको देते हैं? अरे वोट का गोली मारिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। वोट किसको देते हैं? नहीं वोट देने ना किसको दिए हैं आप बताइए, वोट किसको दिए हैं? अरे किसी को दें उसका, आप हमारी बतिया तो सुन लीजिए। आप बताइए वोट देंगे किसी और का, हम खाना लाके पहुँचावे, हम खाना पहुँचावे। देखिए जो किसको दिए हैं आप विधानसभा में, किसको दिए थे वोट, किसको दिए थे किसको नहीं दिए थे, क्यों? ये सवाल आप पूछने वाले नहीं है, क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं नहीं ये गलत है, नहीं पूछ सकता हूँ कि आप खा रहे हैं नहीं खा रहे। रुका हुआ है चाचा, वोट देंगे जिससे उसी से ना मांगेंगे। आए? हमारा काम है मुद्दा उठाना, आप काम राशन नहीं बांट रहे। आप सुनिए, हम राशन नहीं बांट रहे, पहले बात सुनिए। हम ही कह रहे हैं कि जब आप राजा बन गए तो सब प्रजा आपकी हो गई, ठीक ना? और जब सत्ता और पक्ष और विपक्ष नहीं रहेगा तो उसी तरह तो आप तो जहाँ पेड़ न रुकता ऋण प्रधान तो रहे करेगा। तो वही तो बतिया हम बोल रहे हैं ना कि मान लीजिए हम यही कह रहे हैं, नहीं वोट दे नहीं। अच्छा आप ही पहले बताइए, जिसको हम वोट दिए या आप वोट दिए, सौभाग्य से वो चुनाव हार गया तो उसका भी हमारी बतिया हमारी, अरे हम समझ गए, हमारी बतिया हम समझ गए, कुछ नहीं समझ गए। जब वो आदमी हार गए तो काम कहाँ से करेगा? नहीं पहले हमारी बतिया तो सुन लीजिए, वो हार जा चाहे जीत जा, लेकिन आप जो है जीते हैं, जो यहाँ का राजा बन गया उसका काम ना है कि सबको देखे, ठीक है? हाँ सही बात, आपकी बात सच है, जब जीत गया तो राजा वही है, वही लेकिन है। जो आदमी हार जाता है ना उसका भी जिम्मेदारी है
कि जो लोग दबे कुचले उनकी आवाज उठाएं, ऐसा नहीं कि चुनाव हार गया तो मैदान छोड़ के भाग जाए। जो सदन में काम रहता है, सदन में गया जो है, सदन में गया तो वो बोलेगा कि जो सदन में से बारवा चिल्लाएगा वो बोलेगा। लेकिन यहाँ ये भाजपा गवर्नमेंट है, सुन लीजिए मैं आपको बता, बारवा सदन में से चिल्लाए लोग, खाली पुलिस का डंडा पड़ेगा, उसके सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप आगे से ही भविष्यवाणी शुरू कर दिए। हमारी बतिया सुन लीजिए, भविष्यवाणी नहीं, आप जो सुन लीजिए, ये बुनकरों का एरिया है जी, ठीक ना जी। यहाँ जो है पूरे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ का बुनकर यदि भूखो सोएगा तो एरिया के लोग भी भूखे सोएंगे, ठीक ना। यहाँ के बुनकरों का धंधा यदि चलता है तो पूरा भारत तबाह है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन इस एरिया के लोग खुशहाल रहेंगे। कारण ये कि इनका धंधा चल रहा है, निवाला लोगों को मिलना शुरू हो जाता है, यहाँ दूध बेचने वाले, अनाज बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, गेहूँ बेचने वाले, जो भी हैं इनसे जुड़े लोग हैं। चलिए ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। हमारी स्थिति ये है कि इन लोगों का धंधा जो है ब्लॉक पड़ा है, हैं इनके धंधे के ऊपर ना तो मोदी साहब बोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, न योगी साहब बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हैं कि हाँ इन लोगों का धंधा भी रूटीन पर आ जाए। इनको ये है कि बुनकरों को जितना तबाह कर लिया जाएगा तो ये एकदम फिट रहेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि उनको ये पता नहीं है कि बुनकरों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनसे जुड़े लोग हैं। चलिए ठीक है, समझ गया। अपना बताइए दादा, पर से इकबाल अहमद, अभी आए थे हम प्रकाश राजवल जी। हाँ, क्या कर गए हैं? वो तो बहुत कुछ कहे, क्या लग रहा है आपको? अब लग तो यही रहा है कि बातें बात है, काम नहीं है। नहीं नहीं, काम तो कोई कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग के समाज से जो आज तो सभी आएंगे तो अपनी हरी बाग दिखा के चले जाएंगे। बात जम नहीं रही है, नहीं जम नहीं रही, विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों? ये तो खुद कह दिए कि अरे हमने तो कहा था, जो वो तो जुमला इलेक्शन ही जुमला था, तो आज इलेक्शन है, फिर आज बोल रहे हैं तो फिर पलट पुरानी बातें। हाँ, फिर पलटू राम तो भाई है। अच्छा, हाँ मंत्री जी तो पलटू राम है। बात भाषण दिया लेकिन भरोसा नहीं हो रहा। नहीं, भरोसा नहीं हो रहा। अपना नाम है? फैयाज अहमद नाम है। अभी आए थे मंत्री जी? हाँ, देखे तो थे, राज भर आए थे। क्या लग रहा है आपको? हमको उनके बात पे यकीन नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा, भरोसा से बाहर है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या कहें कि भरोसा हो? पहले कुछ काम करें, उसके बाद दूसरा पन्ना हम लोग भी काम करेंगे। ऐसे कितने लोग आए हैं चले गए हैं, जीतने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप लोग का मत कहाँ जाएगा? मान लीजिए भरोसा नहीं तो कुछ सोचे होंगे ना आप लोग? राजभर से यही कह दीजिए, पहले आप लोग यहाँ बुनकर में आके काम करो, फिर आगे आपका भी काम होगा। पहले नहीं होगा, उसके पहले हम तो क्या कोई नहीं दे पाएगा। बताते हैं कि अदरी के लोग हैं, बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जी आए थे। इन लोग ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पहले काम और बातों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कई बार खुद बोल चुके हैं कि ये जुमला है। तो इन लोगों को यही डर लग रहा है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद बोल दें कि ये तो जुमला था। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राजतक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।